हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ श्री राम पब्लिक स्कूल. माई सेल्फ प्रगति पांडे. डियर स्टूडेंट्स, इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द टाइम जोन एंड द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड ऑफ आवर अर्थ. एंड टुडे वी आर गोइंग टू सी द स्टैंडर्ड टाइम, द ग्रीनविच टाइम. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द कंटेंट रीडिंग एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ द टॉपिक. वाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम? कह रहा है कि हमें स्टैंडर्ड टाइम की नीड क्या होती है. पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो हमारा अर्थ है, इस पे जो लॉन्गिट्यूड्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो लॉन्गिट्यूड्स हैं इनमें जो सेंट्रल पॉइंट होती है, जो लाइन प्राइम मेरिडियन है जिसको 0 डिग्री बोलते हैं, वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जाती है, जिसको प्राइम मेरिडियन कहते हैं, और वो होती है स्टैंडर्ड टाइम. उसके जब हम लेफ़्ट साइड में जाते हैं तो हमारा जो टाइम जोन है वो घटता रहता है, और जैसे जैसे हम राइट साइड में जाते हैं हमारा टाइम जोन बढ़ता रहता है. तो हमारा इंडिया कहाँ है? हमारा इंडिया, सपोज़ ये ग्लोब है, ये अर्थ है, ये है प्राइम मेरिडियन. ये 0 डिग्री जहाँ होता है ये प्राइम मेरिडियन है, हमारा अर्थ यहाँ कहीं प्रेजेंट है. तो जैसे जैसे ये लॉन्गिट्यूड्स इस तरह से ऐसे होते हैं, इस साइड इधर इस तरह से होते हैं, तो इनकी जो वैल्यू होती है, जब आप ग्लोब को देखेंगे तो ये सेंट्रल पॉइंट होता है ये वाला, और इसके इस साइड जैसे जाएंगे वो डिग्रीज चेंज होती रहती हैं. हमारा अर्थ जो है वो कुछ यहाँ पर है, यहाँ पर. तो जैसे ये लॉन्गिट्यूड की जो वैल्यू होती है ये +5 की होती है, वैसे इस साइड माइनस में होता है, 1, 2, 3, 4, 5. तो जो +5 की वैल्यू है ये हमारे इंडिया के लिए होती है, और वो हमारे कंट्री के लिए स्टैंडर्ड मेरिडियन है. ओके, +5.5 होता है ये. ओके, तो जो ये स्टैंडर्ड टाइम होता है, द लोकल टाइम ऑफ प्लेसेस विच आर ऑन डिफरेंट मेरिडियन आर बाउंड टू डिफर. कह रहा है कि जो लोकल टाइम होता है अलग अलग प्लेसेस का, एक होता है इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम. इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम पूरे कंट्री में सेम माना जाता है, लेकिन जो लोग होते हैं वो एक लोकल टाइम भी कंसीडर करके रखते हैं. तो इंडिया का जो एकदम प्राइम मेरिडियन, जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है सिर्फ और सिर्फ इंडिया का, वो इलाहाबाद, हमारा जो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद ज़िले में नैनी एक पुल है, उधर से होता हुआ हमारा मानक समय रेखा जाती है, स्टैंडर्ड इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम जोन जो है. ठीक है, लेकिन जो लोकल टाइम है प्लेसेस का वो डिफ़र करता रहता है. जैसे यहाँ ये स्टैंडर्ड है, ये पूरे कंट्री में यही फॉलो होता है, लेकिन यहाँ का कुछ और होगा और यहाँ का कुछ और होगा. क्यों? क्योंकि जो हमारी पृथ्वी है, जब वो रिवॉल्व करती है, जब वो मूव करती है, तो सबसे पहले ये जो अरुणाचल प्रदेश का एरिया है, यहाँ पर सन रेज सबसे ज़्यादा पहले आती हैं. ओके, और यहाँ पर सबसे बाद में, और इसी तरह सनसेट भी इस जोन में सबसे लेट में होता है सनसेट, और यहाँ पे सबसे पहले होता है सनसेट, और सनराइज़ यहाँ सबसे ज़्यादा होता है, मतलब जल्दी होता है, और यहाँ लेट होता है. ओके, तो ये अब आप सोचिए कि इतना अंतर हमारी कंट्री में है, तो बाकी सारे जो कंट्रीज हैं उनमें भी बहुत सारा अंतर इस तरह से आता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, इट विल बी डिफ़िकल्ट टू प्रिपेयर अ टाइम टेबल फॉर ट्रेन्स विच क्रॉस सेवरल लॉन्गिट्यूड. कह रहा है कि हमें ये मुश्किल हो जाता है टाइम पता करना उन चीज़ों का, उन ट्रेन वगैरह जैसे हैं या एरोप्लेन वगैरह जो जा रही हैं, वो अभी यहाँ पर है, 1 घंटे 2 घंटे बाद आगे बढ़ गई, उसके 2-3 घंटे बाद और आगे बढ़ गई. तो वो आज सब मान लो आप अर्थ के, ये अर्थ है उसके इस लॉन्गिट्यूड पे ट्रेन चल रही थी, अभी कुछ टाइम बाद यहाँ पहुँच गई, कुछ टाइम बाद यहाँ पहुँच गई, तो हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है उसका एग्जैक्ट टाइम पता करना. ओके, इन इंडिया फॉर इंस्टेंस देयर विल बी अ डिफरेंस ऑफ अबाउट 1 आवर एंड 45 मिनट्स इन लोकल टाइम ऑफ द्वारका इन गुजरात एंड दिब्रूगढ़ इन आसाम. कह रहा है कि गुजरात में द्वारका है, यहाँ गुजरात है, ये यहाँ पे है एक द्वारका, और यहाँ आसाम है, आसाम में है दिब्रूगढ़, ये दिब्रू है और ये द्वारका है. कह रहा है अगर हम द्वारका में टाइम देखें
तो यहाँ पर टाइम कम होता है और डिब्रूगढ़ में टाइम ज़्यादा होता है, वो भी कितना, 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होता है यहाँ और यहाँ के टाइम में। तो क्यों? क्योंकि ये अलग अलग लॉन्गिट्यूड्स पे प्रेजेंट है। आप देख रहे हैं इस डायग्राम में, एक लॉन्गिट्यूड ये है, एक ये जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है, और एक ये है, ये 2 लॉन्गिट्यूड्स हैं। यहाँ का वैल्यू कुछ और होगी और यहाँ की वैल्यू कुछ और होगी पॉजिटिव में। और 5:30 वाला तो ये है 5:30 घंटे वाला, ये मान लीजिए ये लगभग 5.1 ही का होगा, ये और ये 5.5 हो सकता है। तो इन दोनों के बीच में लगभग 1 घंटे 45 मिनट का अंतर आ जाता है लोकल टाइम में, किसमें, गुजरात के द्वारका और आसाम के डिब्रूगढ़ में। इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी टू अडॉप्ट द लोकल टाइम ऑफ सम सेंट्रल मेरिडियन ऑफ अ कंट्री एज अ स्टैंडर्ड टाइम फॉर द कंट्री। इसलिए क्योंकि अलग अलग प्लेसेस में, जैसे कि यहाँ और यहाँ के प्लेसेस में इतना अंतर आ रहा है समय में, इसलिए ये ज़रूरी होता है कि किसी भी कंट्री का एक स्टैंडर्ड टाइम जोन बना दिया जाए जो उस कंट्री के बीचों बीच जाता हो और उसी टाइम को पूरी कंट्री के लोग फॉलो करते हों। ठीक है, इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी टू अडॉप्ट द लोकल टाइम ऑफ सम सेंट्रल मेरिडियन ऑफ अ कंट्री एज अ स्टैंडर्ड टाइम फॉर द कंट्री। यस, इन इंडिया द लॉन्गिट्यूड ऑफ 82.5 डिग्री ईस्ट, लॉन्गिट्यूड की वैल्यू है, ये जो लॉन्गिट्यूड आपका जा रहा है इसकी वैल्यू है 82.5 डिग्री ईस्ट। ये क्या है, ये जो हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन इंडिया का है जो इलाहाबाद से होता हुआ जाता है, ये है वो एटीट्यूड 82.5 डिग्री ईस्ट इस लॉन्गिट्यूड की वैल्यू है और इसको माना गया हमारे इंडिया के लिए स्टैंडर्ड मेरिडियन। द लोकल टाइम एट दिस मेरिडियन इज टेकन एज अ स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री। और इस पे जो समय होता है इसी समय को हमारे कंट्री के लिए स्टैंडर्ड टाइम माना जाता है और उसको कहा जाता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, IST। ओके, नाउ कबीर लिव्स इन अ स्मॉल टाउन नियर भोपाल। एक कबीर बच्चा है जो भोपाल में रहता है, एक छोटे शहर में। ही टेल्स हिज फ्रेंड आलोक दैट दे विल नॉट बी एबल टू स्लीप टुनाइट। वो अपने दोस्तों से बताता है कि आज वो सब रात में सो नहीं पाएंगे। अ डे एंड नाइट क्रिकेट मैच विल बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड हैज़ स्टार्टेड एट 2 PM इन लंदन। कह रहा है कि आज हम सब रात में सो नहीं पाएंगे क्योंकि एक दिन और रात का एक मैच होना है इंडिया और इंग्लैंड के बीच में, जो रात के नहीं, जो दिन के 2 बजे शुरू होगा लंदन में, दिन के 2 बजे शुरू होगा। दिस मीन्स दैट द मैच वुड बिगिन एट 7:30 PM इन इंडिया। इसका मतलब ये है कि इंडिया में यह मैच 7:30 बजे शाम को दिखाया जाएगा। वहाँ पे दोपहर में 2 बजे शुरू हुआ है मैच लंदन में, लेकिन हमारे यहाँ अगर हम टीवी में मैच देखेंगे तो हमें 7:30 बजे से दिखेगा इन इंडिया एंड फिनिश वेल इन द नाइट। और रात भर मैच चलेगा और रात में मैच ख़त्म हो जाएगा। डू यू नो वॉट इज़ द टाइम डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड? क्या आपको पता है कि इंडिया और इंग्लैंड के टाइम में कितना अंतर है? अब आप सोचिए, इंडिया के टाइम का यहाँ पे क्या कह रहा है कि इंडिया का 2 बज रहा था, दोपहर के 2 बज रहे थे और मैच वहाँ पे शुरू होना था लंदन में कितने बजे, इंडिया में 2 बजे यहाँ पे जो हमारा मैच शुरू होना है वो लंदन के हिसाब से 2 बजे होगा, यानी लंदन में अगर 2 बज रहा है दिन का और इंडिया में मैच दिखाया जाएगा कितने बजे, 7:30 बजे, 7:30, ठीक है, 7:30 बजे। अब आप सोच लो, 2 बजे से 3, 1 घंटा, 3 से 4, 2 घंटा, 4 से 5, 3 घंटा, 5 से 6, 4 घंटा, 6 से 7, 5 घंटा और 7 से 7:30, यानी टोटल हमारे और लंदन के टाइम के बीच में 5.3 आवर्स का अंतर जा रहा है। ठीक है, 5.3 आवर्स का अंतर जा रहा है और वो लोग हमसे टाइम में आ गए क्योंकि वहाँ 2 बजे शुरू हो चुका है मैच और यहाँ पे हमें दिखेगा शाम के 7:30 बजे, तो वो अगर टाइम में हमसे आगे हैं और कितना, 5.5 घंटे। ठीक है, डू यू नो वॉट, यस आपको पता चल गया,
इंडिया लोकेटेड ईस्ट ऑफ ग्रीनविच एट 82°30° नॉर्थ इज 5 hours and 30 minutes अहेड ऑफ GMT। कह रहा है जो ग्रीनविच टाइम है, ग्रीनविच टाइम कौन सा था, मैंने पहले बताया कि जो आपका ग्लोब होता है इसके जो सेंटर लाइन होती है जिसको प्राइम मेरिडियन कहा जाता है, ये प्राइम मेरिडियन कहाँ से जाता है, यहाँ ग्रीनविच एरिया है, ग्रीनविच एरिया से जाता है। तो जो ये जो सेंट्रल लाइन है इसको कहा गया GMT, क्या, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। और हमारा इंडिया यहाँ पे था, इंडिया का बोला गया IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो ग्रीनविच टाइम यहीं पर कहीं लंदन सिचुएटेड था और यहाँ पे हमारा इंडिया था, इसलिए इंडिया में जो मैच दिखा वो 5.5 घंटे लेट दिखा, क्योंकि हमारा जो लंदन था वो ग्रीनविच टाइम पे था और इंडिया हमारा 5.5 घंटे उसके पॉजिटिव में है, उसके राइट में है, और यहाँ पे हमें मैच दिखा 7:30 बजे। ओके, सम कंट्रीज़ हैव अ ग्रेट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। कह रहा है कि कुछ कंट्रीज़ का एरिया इतना ज़्यादा होता है कि वो कई सारे लॉन्गिट्यूड्स को अडॉप्ट करते हैं, जैसे कि ये एक ग्लोब था, ये सेंट्रल लाइन है, 1, 2, 3, 4 इधर भी हो गया इस तरह। अब आप सोचो कि इसी ग्लोब में कहीं रशिया बहुत बड़ा सा प्रेजेंट है। अब आप सोचो ये प्राइम मेरिडियन है, इसके इधर भी इतना सारा, इधर भी इतना सारा, यानी इधर भी कई सारे लॉन्गिट्यूड्स इसके बीच में आते होंगे और इधर भी लॉन्गिट्यूड्स आते होंगे। अब क्या किया जाए, अब किस तरह से हम इस कंट्री का हम कंसीडर करेंगे टाइम। तो वहाँ पे डबल डबल और ट्रिपल ट्रिपल टाइम जोन चलते हैं, क्योंकि उनका एरिया बहुत ज़्यादा होता है। और एक टाइम अगर हम कर लें दिन का हम मानेंगे तो हो सकता है उसी कंट्री के किसी एक भाग में रात का टाइम आ गया हो। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, एक से अधिक स्टैंडर्ड टाइम का निकालते हैं। ठीक है, सम कंट्रीज हैव अ ग्रेट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट एंड सो दे हैव अडॉप्टेड मोर देन वन स्टैंडर्ड टाइम। क्योंकि उनका एरिया ज़्यादा होता है इसलिए वो एक से अधिक स्टैंडर्ड टाइम अडॉप्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन रशिया, जैसे मैंने अभी भी बताया रशिया, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, ये लगभग 11 लॉन्गिट्यूड्स को कवर करता है, इसलिए बहुत सारे जो मतलब इनके यहाँ स्टैंडर्ड टाइम, कई सारे कंडीशंस है, कई सारे स्टैंडर्ड टाइम ये फॉलो करते हैं। हमारा जो अर्थ है वो लगभग 24 टाइम जोन्स में डिवाइड हुआ है, 24 टाइम जोन में डिवाइड हुआ है, हर एक घंटे के लिए हर एक टाइम जोन है। जैसे 24 घंटे होते हैं पूरे दिन में, उसी तरह से 24 जोन बनाए गए हैं, टाइम जोन, जो अपना अपना एरिया के हिसाब से लोगों ने अडॉप्ट किया है, कंट्रीज़ ने अडॉप्ट किया है। तो कह रहा है कि हर जोन लगभग 15° लॉन्गिट्यूड कवर करता है। अब आप सोचो ये था पूरा अर्थ, आपको पहले से पता है कि ये जो अर्थ है इसमें 360 डिग्रीज होती हैं। अब 360 डिग्री है, उसका 24 पार्ट किया जाए तो हर पार्ट को 15 डिग्री मिलेगा। तो हर लॉन्गिट्यूड की जो वैल्यू होती है वो 15 डिग्री के बराबर होती है, और पूरे अर्थ को लगभग 24, लगभग क्या, कन्फर्म है 24 टाइम जोन में डिवाइड किया गया है, जिसमें हर घंटा हर एक टाइम जोन को रिप्रेजेंट करता है। ओके, सो स्टूडेंट्स वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर टुडे एंड आई विल शेयर द एक्सरसाइजेज। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एवरीवन।